हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 70, जिसकी डेट है आपकी 24 सितंबर 2020 और कक्षा है आपकी 6 to 8। ये बच्चों आपकी इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस, आप उस पर सर्च कर सकते हो विद वर्कशीट नंबर। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपका यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम फिल करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंसेक्ट्स, जिसको हम हिंदी में कीट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। तो जल्दी से आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, जिसको हम तितलियां बोल देते हैं हिंदी में, बीज जिसको हम मधुमक्खी बोल देते हैं, कॉकरेच हिंदी में भी कॉकरेच बोलते हैं, आंट्स जिसको हम चींटियां बोलते हैं, हाउस फ्लाई मक्खी, मॉस्किटो मच्छर। तो ये सभी टाइप के हमने अलग अलग टाइप के इंसेक्ट पढ़े, जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है। ऑल इंसेक्ट हैव 6 legs। जितने भी इंसेक्ट या कीट में बोलूँ, उनकी जो लेग होती है वो कितनी होती है, 6, और 3 body parts होते हैं। बॉडी पार्ट का नाम दिया हुआ है हेड, जिसको सिर बोलते हैं, थोरॉक्स जिसको हम वक्ष बोलते हैं, एब्डोमेन जिसको हम पेट बोलते हैं या उदर बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद ऑल इंसेक्ट हैव 2 antennae, हर एक इंसेक्ट या हर एक कीट के अंदर 2 antennae होते हैं। दीज आर यूज टू फील स्मेल एंड टेस्ट। जो एंटीना काम करते हैं वो किस लिए काम करते हैं, जो कोई भी स्मेल है, क्या कैसा टेस्ट है, कैसी सुगंध आ रही है, वो सब चीज़ बताती है आपकी ये एंटीना। इंसेक्ट हैव ए वाटर प्रूफ स्केल्टन आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज। तो जो कीट होते हैं हमारे, उसके अंदर वाटर प्रूफ स्केल्टन होता है, जिससे कि क्या है, पानी नहीं जाता। इसी को हम बोलते हैं एक्सो स्केल्टन, मतलब भारी कंकाल। स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल। दिस इज फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो ये जो है उसको बचाता है। क्यों बचाता है, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वो पानी से चीजों को बचाता है, अंदर पानी नहीं जाने देता। सम इंसेक्ट हैव विंग्स सो दे कैन फ्लाई, कुछ कीट के पंख होते हैं जिससे कि वो उड़ पाते हैं। अदर डोंट हैव विंग्स सो दे क्रावल जंप स्विम, कुछ के जो है पंख नहीं होते, इससे क्या है कि वो रेंगते रहते हैं, कूदते हैं या स्विम मतलब तैरते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें थी यहाँ पर बताया गया। उसके बाद है इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, मतलब पहले वो क्या बनता है। पहले सबसे पहले वो बनता है अंडा, एग, ठीक है। उसके बाद बनता है वो लार्वा, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो लार्वा बन जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होते ही प्यूपा बन जाता है, एंड फाइनली वो अडल्ट बन जाता है। जैसे कि हमारी लाइफ होती है बच्चों, पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो स्कूल में जाने लगते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो बड़ी क्लासों में आ जाते हैं स्कूल के अंदर, 10वीं 11वीं 12वीं में, फिर और बड़े होते हैं तो फिर कॉलेज में चले जाते हैं। तो 18 साल की या 18 साल से बड़े हो जाते हैं तो एडल्ट में माने जाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल है, जैसे कि हमारी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आप देखते हैं हम इनके क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है नेम एनी 2 insects, ऊपर जो दिया हुआ था उनमें से 2 insects आपको लिखने हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर मॉस्किटो। हाउस फ्लाई का मतलब होता है मक्खी और मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर। ठीक है, तो ये 2 आपके insects हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 stages इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। तो 4 stages हमारी ऊपर दी हुई है, अभी मैंने कोई रब नहीं किया है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो 4 चीजें यहाँ पर आपको लिख देनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है तीसरा, नेम द 3 different parts ऑफ एन इंसेक्ट। 3 different parts बताने हैं जो बॉडी के होते हैं। एक होता है हेड जिसको सिर बोलते हैं, थोरक्स जिसको वक्ष बोल देते हैं हम, और एक होता है एब्डोमेन जिसको पेट बोलते हैं, जो पेट होता है हमारा भी, इसी तरह से पेट होता है आपका इंसेक्ट का भी। लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, हाउ मेनी लेग्स डज एन इंसेक्ट प्रोसेस पोजेस। तो एक लेग के कितनी टांगे होती हैं, तो ऊपर हमने पढ़ा था कितनी टांगे होती है बच्चों, 6 legs, 2 आगे 2 center में और 2 last में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो होपफुली आपको समझ में आई होगी, तो जल्दी से इसको लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिससे कि आपके स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के बच्चे वर्कशीट को कम्प्लीटली जल्दी कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।